तो दोस्तों देखिए, ये जो मेरे पीछे आपको जो स्टालें दिखाई दे रही है छोटी छोटी, इसमें अलग अलग संस्कृति है के अलग अलग आपको अंदर लेके चलेंगे। कुछ ऐसी स्टालें हैं, ये हमारे साथ सुभाष जी हैं। सुभाष जी चलिए, आप आपके पास आ रहे हैं। इनके पास जो चीज़ें आज से कई साल पहले हमारे पास होती थी लेकिन अब नहीं है। ये देखिए खटोला, ये वो कुमार का चाग है जिसपे चलता है जी। ये देखिए दोस्तों किस तरह से कुमार दीवे या जो भी चीजें थी मिट्टी की वो बनाते थे। पहिए का आविष्कार का सबसे ज्यादा फायदा यही मिला है। ये देखिए थोड़ी सी देर में स्पीड पकड़ ली है। मिट्टी है जी, ये देखिए दोस्तों किस तरह से, अगर हम एक तरह से कहें तो कुमार को मिट्टी का साइंटिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये कौन सी मिट्टी किस बर्तन के लिए, घड़े के लिए या किस के लिए, और थोड़ी सी देर में मिट्टी को आकार दे देते हैं। लेकिन ये जो मिट्टी तैयार करने में इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है दोस्तों। देखिए किस तरह से इन्होंने कुछ ही समय में क्या बना दिया जी, ये मिट्टी का दिया बना दिया है। देखते ही देखते कुछ ही समय में एक सुंदर दिया तैयार कर दिया है। यो ले लो। ये देखिए दोस्तों किस तरह से। आपका कौन सा गांव है जी? डीग जिला कैथल। तो आप वहां पे गांव में बर्तन बनाते हो? अच्छा जी, यहाँ पे तो देखिए दोस्तों ये दीवा, ये छोटी सी कुल्हड़ी, और ये दीवा तो अभी ताजा ताजा हमारे साथ सामने ही बनाया गया है। ये जो चाक है ये फिक्स हो जाता है एक जगह, या फिर उठा के आप कहीं भी लगा सकते हैं? अच्छा, इसके नीचे कोई स्पेशल बेस बनाना पड़ता है? लकड़ी की एक गुल्ली सी बनाते हैं। अच्छा अच्छा, उस पे किल्ली बोलते हैं उसको। अच्छा, उसके ऊपर रख लेते हैं इसको। देखिए दोस्तों, आप बेटा देखने आए हो? ये कुल्हड़ी बना दी, दिवाली पे गोवर्धन पे रखते हैं। गोवर्धन पर रखते हैं इसको। तो एक दिन में ये दीवे आप कितने बना देते हो जी? बना देते हैं 300-400। 300-400 दीवे बन जाते हैं। और एक दीवा कितने का बिकता है? एक दीवा 2 रुपए का जी। तो दिवाली पे काम चलता है या आपका सारा साल चलता है? नहीं जी, जैसे दिए वगैरह कुल्ली वगैरह ये तो दीपावली पर ही काम चलता है, और वैसे जैसे बड़े घड़े बनाते हैं वो तो 12 महीने चलते। गर्मी में? हाँ, गर्मी में जैसे बड़े घड़े बनाते हैं पानी के लिए। तो आपका काम वैसे जो आजकल महंगाई इतनी हो रही है उस हिसाब से आपकी इनकम काम चल जाए है? बस जी, इनकी इतनी लागत नहीं है, अब बहुत कम लागत है इनमें। आपके पिछले पीढ़ियों से ही ये काम है? हाँ जी, पिछली पीढ़ी से, जैसे मेरा बाप बनाता, मेरे दादाजी बनाते थे, और हम भी आगे बना लेते हैं। सीजन जैसे दीपावली का सीजन होता है तब बना लेते हैं, या जैसे गर्मी आती है तो गर्मी में घड़े बना लेते हैं।
तो आप कुछ कहना चाहोगे जो बाय चांस ये वीडियो अगर कहीं आगे पहुंचते किसी उच्च अधिकारी या मंत्री वगैरह पे? तो हाँ जी, जैसे मिट्टी के बर्तनों कम यूज करने लगे हैं, और मिट्टी के बर्तन यदि यूज करें तो मिट्टी के बर्तनों से बहुत कम, जैसे पानी पीते हैं बहुत कम बीमारियां होती हैं, जैसे प्लास्टिक वगैरह के बर्तन हैं इनसे कई बीमारियां लग जाती हैं, कई धातु ऐसी होती हैं, और जो मिट्टी के बर्तनों में पहले शुद्धता है और स्वास्थ्य है। आप पढ़े हो जी कुछ? हाँ जी। कितना? 8वीं पास। आपका नाम जी? बलबीर सिंह। देखिए दोस्तों, बलबीर सिंह जी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, लेकिन इनका कहने का मतलब है, देखो सरकार शायद मदद ना कर पाए, लेकिन हम आम आदमी हर व्यक्ति अगर गर्मी के सीजन में एक घड़ा जरूर रखें पानी के लिए, तो उससे हमारे को ये फायदा मिलेगा कि स्वास्थ्य मिलेगा। जैसे आजकल मैक्सिमम जो घड़े बना रहे हैं तो शुद्धता है मिट्टी में, पानी को एक तरह से शुद्ध और स्वास्थ्य के लिए अच्छा करते हैं। फ्रिज और जो आजकल कैम्फर का पानी आप पी रहे हैं वो कहीं ना कहीं कैंसर का कारण है, क्योंकि प्लास्टिक से दिक्कत ही रहती है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। आजा नील।